थाना क्षेत्र के शेखपुरा पंचायत के शेखपुरा दरगाह पर आपसी लड़ाई में दो महीना पहले अहमद शाह का पुत्र बबलू शाह उम्र 40 का जो घायल होने के कारण पटना PMCS में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर जलालपुर से रसूलपुर जाने वाले सड़क जाम कर दिया गया था, जिसके बाद नौर थाना अध्यक्ष विश्वमोहन राम एवं मुखिया संतोष कुमार यादव के समझाने के बाद सड़क जाम हटाया गया तथा घटना में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। वहीं कुछ लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। तो आज फिर इस घटना में घायल अहमद शाह, जिसका इलाज कोलकाता में चल रहा था, इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई थी। आज फिर उस घटना में घायल अहमद शाह जिसका इलाज कलकत्ता में चल रहा था इलाज के दौरान इसकी भी मौत हो गई। फिर क्या था, जैसे ही इस घटना की जानकारी उनके घर वालों को हुई, मृतक पक्ष के लोग बच्चियों के घर में घुस जम कर उत्पात मचाया तथा घरेलू सामान तोड़फोड़ किया गया, जिसके बाद अमनौर थाना को जानकारी होने पर जब तक थाना पहुंची तभी उत्पात कर फरार हो चुके थे। इसी बीच कुछ घंटों के बाद मृतक अहमद शाह की गाड़ी जैसे ही शेखपुरा भट्टी पहुंची, घर के लोगों ने सड़क जाम कर दिया। देखते देखते गाड़ियों की लाइन लगने लगी। तभी वहां ड्यूटी पर तैनात हवलदार को इसकी जानकारी हुई तो उसने लोगों से बात कर जाम हटवाया। इसी क्रम में मृत के घर वालों ने क्या कुछ कहा, देखिए एक रिपोर्ट। क्या मामला और किसकी मौत हुई है? आज से दो महीना ढाई महीना पहले यहाँ मार्केट में एक हमारा सारा लगे बबलू सा, जो कि मार्केट में चोट की वजह से एक हफ्ता पटना हॉस्पिटल में PMCS में भर्ती थे और वहाँ उसका डेथ हो गया। तो हम लोग यहाँ उस टाइम में भी आकर रास्ता घेराव किए थे, प्रशासन से मांग किए थे लोग कि ये जो बाहर से आकर मारपीट हुआ है और मारपीट करके जो मार दिए गए हैं, इन लोगों के लिए कार्रवाई किया जाए। तो प्रशासन को हम लोग दो तीन आदमी को पकड़ के भी दिए थे, प्रशासन तीन आदमी को छोड़ दिया था और तीन आदमी को पकड़ा था। तो उस टाइम से ही ये उनका पिता है, ये जो अभी बबलू शाह था जो डेड कर गया, वो उनका पिता है। ये भी उसी टाइम से ही घायल थे और उस टाइम से ही इनका कलकत्ता में इलाज चल रहा था। अच्छा, और आज उनका भी माता में ही लगने का वजह से डेड हुआ है। इलाज के दरमियान इनकी मौत? हाँ, इलाज के दरमियान ही। क्या नाम पड़ेगा मृतक का? इनका अहमद शाह। आपका नाम क्या पड़ेगा? मोहम्मद मंजूर। आप कौन है उनके? हम इनका ये बनोई यानी दमाद है। कहाँ आपका घर पड़ेगा? मेरा मसरक पूरब टोला। अच्छा, प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से ये मांग है कि उस टाइम से ही लेकर अभी तक हम लोग आशा लगा कर रखे हैं कि जो तीन आदमी को छोड़ा गया वो लोग को अभी तक नहीं पकड़ा गया, और उसके बाद हमारे घर पर भी थोड़ा सा परेशानी होता है, जो यहाँ रहता है एक साला मेरा, उसका ऊपर भी टॉर्चर होता है, या इस तरह का माने कोई हम लोग को सुविधा अभी तक नहीं मिला, जिससे हम लोग अभी तक परेशान हैं। उनकी सुरक्षा के भी गुहार लगा रहे हैं क्या? जी, जी, जी।